हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर नवनीत मागो अब तक तो आप मुझे पहचानते हैं आपका अपना रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक गायना एंड वेलकम बैक टू हेल्थ केयर टुडे जैसा कि मैंने आपको कहा था हम उसके बारे में और बात करेंगे और आज मैं वापस आपके साथ फिर से जुड़ा हूं विजाइनल टाइटनिंग और लेजर वैजनल टाइटनिंग के बारे में आगे बात करने के लिए मैं डॉक्टर हूँ मैं पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ आप मेरे पास एक प्रॉब्लम के साथ आती हैं और आप कहती हैं कि इसका ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं एक आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करता हूँ हम बैठ के डिस्कस करते हैं आपके साथ मैं आपको सारी चॉइसेस देता हूँ और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए एंड देन आई प्रोवाइड यू दैट आई गिव यू इन्फॉर्मेशन एंड यू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट एंड आई डिलीवर यू वॉट यू वॉन्ट दिस इज हाउ यू नो वी वर्क विद आर पेशेंट्स बट होता क्या है कि पेशेंट्स की अवेयरनेस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में बिकॉज पता नहीं चलता नहीं तो बहुत डिस्टॉटेड तरह की नॉलेज आपके पास आती है इंटरनेट से तो आ, सबसे पहले तो चार ट्रीटमेंट्स चाहिए ये चार ट्रीटमेंट्स से आपका जो न्यूकॉलजोनसिस होता है न्यो वैस्कुलजेशन होती है इलास्टिन फॉर्मेशन होता है वैजनल हेल्थ इंप्रूव होती है वैजनल हेल्थ इंडेक्स इंप्रूव होता है फीमेल सेक्शुअल फंक्शनल इंडेक्स इंप्रूव होता है यूरोजोनाइटल इंडस्ज इंप्रूव होते हैं आपको हर तरीके से इससे फ़ायदा होता है तो इसमें चार ट्रीटमेंट लगते हैं चारों ट्रीटमेंट में रफली हर ट्रीटमेंट दो ट्रीटमेंट के बीच में फोर वीक्स का गैप चाहिए होता है। एक ट्रीटमेंट करने में जब हम रोबोटिक आर्म से ट्रीटमेंट करते हैं टोटल लगभग दस से पंद्रह मिनट लगते हैं कोई एनेस्थीजिया नहीं कोई एनलजीसिया नहीं नॉर्मल गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे होता है वैसे ही यह होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है रादर आपको एक बहुत प्लेजरेबल और वॉर्म्थ की फीलिंग लगती है वे में जिस टाइम ट्रीटमेंट हो रहा होता है मोस्ट ऑफ माई पेशेंट से दैट इट वॉज अ वेरी प्लेजरेबल ट्रीटमेंट सो ट्रीटमेंट के दौरान भी प्लेजर होता है ट्रीटमेंट के बाद तो प्लेजर होना ही होना है और ट्रीटमेंट uh, बिल्कुल पेन नहीं होता है इट इज़ टोटली पेनलेस इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है आप अपनी सेक्शुअल लाइफ इमिजिएटली आप ट्रीटमेंट करवा के यू कैन गो फॉर अ डेट नाइट दैट पर्टिकुलर डे इट तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई डाउन टाइम नहीं है स्पेसिफिकली जब आप एक नॉन एबिलेटिव एबी में लेजर यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें कोई बर्निंग नहीं होती कोई एबलेशन नहीं होता कोई डिस्चार्ज नहीं होता रादर वजाइना हर तरीके से इंप्रूव होती है तो कोई डाउन टाइम नहीं कोई पेन नहीं लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में सारा ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है जितने भी इसके वो होते हैं बिकॉज रोबोट बहुत क्विकली अब पूरे साइकिल्स करता है और बहुत प्रिसाइजली करता है आपकी वजाइना का एक एक मिलीमीटर ट्रीट होता है और इसके बाद आपको लगभग लगभग एक साल तक वो इफेक्ट्स रहते हैं एक साल के बाद डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट कई बार टचअप की जरूरत होती है जिसको बिल्कुल इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन एवरी इंडिविजुअल पेशेंट पर एक साल तक आपके रिजल्ट बिल्कुल कायम रहते हैं पेशेंट सिलेक्शन अगेन टेलिंग यू पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन यू कम टू अस वी डोंट से एनी थिंग टिल वी हैव एग्जामिंड यू एंड देन वी सीट डाउन एंड टेल यू एवरी थिंग अबाउट यू the options available to achieve your desired goals and then help you to achieve those goals absolutely jo hamara jise hum kehte hain na tagline hai delivering what women want so this is what we do and laser vaginal tightening ke liye this is the gold standard ये information आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है इस video को आप save करके रख लीजिएगा because जब भी आपको laser vaginal tightening कोई कहेगा आपको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है बिकॉज वी केयर फॉर यू